प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेलिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पन्ना में राजा पटेलिया के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजा पटेलिया पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेलिया ने पन्ना में PM की हत्या का विवादित बयान दिया, जिसके बाद वे भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा तक ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। राजा पटेलिया रविवार को पन्ना में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। वायरल वीडियो में पटेलिया PM मोदी को लेकर अशोभनीय बातें कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भारी जीवन खतरे में है, संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस हराने का काम करो। पटेलिया ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि मैंने हत्या करने की बात नहीं कही, बल्कि अगले चुनाव में मोदी को हराने की बात कही है। फ्लो में हो जाता है कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस हराने का काम। वहीं इस मामले में गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पन्ना पुलिस ने पटेलिया के खिलाफ शांति भंग और वैनमस्य फैलाने के आरोप में FIR दर्ज कर ली है। उन्होंने बताया, जनसभा में धर्म जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक दलित और आदिवासी समुदाय के बीच घृणा और वैमनस्य फैलाने का कार्य प्रतीत हुआ है। पुलिस ने पाया है कि इससे लोक शांति भंग हुई है। IPC की धारा 451, 504, 505, 506 और 153 के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया है। जनसभा में धर्म जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक दलित आदिवासी समुदाय के बीच घृणा वैमनस्य फैलाना का कार्य प्रतीत हुआ, इससे लोक शांति भंग होना पुलिस ने पाया है और इनके खिलाफ IPC की धारा 451, 504, 505, 1B, 5051, 1C, 506, 153, B1C के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।